पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, विभिन्न टीवी चैनलों और इंटरनेट पर अर्थहार की चर्चा चल रही है, जिसके कारण हर किसी के मन में ये उत्सुकता हो सकती है कि अर्थहार आखिर क्या है और किस कारण से इतनी चर्चा में है। आइए जानते हैं कि आखिर ये अर्थहार है क्या और यह किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अर्थावर विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जिसका उद्देश्य लोगों को बिजली के महत्व के बारे में और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र संरक्षण संस्था यानी कि इंडिपेंडेंट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। वर्तमान समय में 100 से अधिक देशों में 5 मिलियन से अधिक लोग इस संस्था को सपोर्ट करते हैं। इस संस्था का उद्देश्य प्रकृति के नुकसान को रोकना और मानव जाति के भविष्य को बेहतर बनाना है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलियाई लोगों के विचार जानने के उद्देश्य से 2004 में विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन की ऑस्ट्रेलियाई शाखा और विज्ञापन एजेंसी लियो बर्नेट सिडनी के बीच एक विचार विमर्श गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में हुए विचार विमर्श के आधार पर 2006 में द बिग फ्लिप नाम से एक अभियान की रूपरेखा तैयार की गई, जिसका उद्देश्य बड़े स्तर पर देश में बिजली के उपकरणों को बंद करना था। विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन की ऑस्ट्रेलियाई शाखा ने इस संकल्पना को फेयरफैक्स मीडिया और सिडनी के मेयर लॉर्ड ग्लोवर मूर के सामने प्रस्तुत किया, जिन्होंने इस आयोजन के लिए अपनी सहमति प्रदान की थी। परिणाम स्वरूप 31 मार्च 2007 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में स्थानीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे पहली बार अर्थ आवर का आयोजन किया गया था। इसके बाद से हर वर्ष मार्च महीने के हर अंतिम शनिवार को पूरा विश्व एक घंटे के लिए अर्थ आवर मनाता है और बिजली के सारे बल्बों को बंद कर दिया जाता है। वर्ष 2017 में अर्थ आवर का आयोजन 25 मार्च को रात्रि 8:30 से 9:30 तक किया जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि इस अवसर पर दुनिया भर के 172 से अधिक देशों के लगभग 10,400 से अधिक प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक इमारतों की लाइट बंद की जाएगी। इस अभियान के तहत दुनिया भर के लोगों को बिजली बचाने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूक किया जाएगा। कुछ समय पहले तक भारत में एडिसन बल्ब का ही इस्तेमाल होता था, जो तकरीबन पीली रोशनी देते थे और बहुत बिजली खाते थे। इसके बाद हाल के सालों में CFL का प्रयोग किया जाने लगा और इसके बारे में धारणा यह थी कि यह काफ़ी कम बिजली की खपत करता है और अच्छी दूधिया रोशनी देता है। हालांकि अब CFL को टक्कर देने के लिए भारतीय बाजार में LED बल्ब भी आ गया है। यह LED बल्ब ना के बराबर बिजली खाता है और बढ़िया रोशनी भी देता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बार्स रिपोर्ट को।